अगर बाइक की बात करी जाए ना बॉस, तो सच बता रहा हूँ जबरदस्त बाइक है। तो की कुछ इस टाइप की है और नेक्स्ट अभी फ्लाईओवर पे है और आज है अपने साथ डोमिनार। तो डोमिनार है रवानी भाई की, अपनी एलिना ये दिक्कत हो रही है और आज अपन देखने जा रहे हैं यसदी एडीवी देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और थंबनेल और टाइटल के थ्रू आप लोग जान गए होंगे। तो डोमिनार चलाएंगे और आज आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में भी। चलो जी, और जयपुर के मौसम विभाग से आपका फरजान अपडेट देते हुए, जयपुर का मौसम बहुत मस्त हो रहा है और डोमिनार को भी अच्छे से चलाकर यूज करके दिखाएंगे आप लोगों को। आई होप की आवाज़ एकदम मस्त आ रही होगी। और 400 cc इंजन है यार, जैसे कि आप लोगों को पता है इसके बारे में। ये विंडशील्ड होती है, इससे क्या है कि हवा नहीं लगती छाती के ऊपर और हाथ पे भी नहीं लगती साइड के अंदर। रात को बारिश हुई थी जयपुर के अंदर अच्छी खासी। अगर बजाज और KTM एडवेंचर का अगर कंपेयर करा जाए इंजन के बारे में, तो KTM की काफ़ी अच्छी एडवेंचर की पावर। तिरसी रोड के इधर आए हैं, अच्छी खासी चल रही है और 98 पे गाड़ी अभी फिलहाल बढ़िया चल रही है। 400 cc है लेकिन हाँ अच्छा है, BHP भी काफ़ी अच्छी है इसकी। लेकिन मुझको ये पावर कम लगने लग गई, क्योंकि क्या है कि यार ज़्यादा हाई cc हैवी cc आप चलाने लग जाते हो तो ये पावर बिल्कुल कम लगने लग जाती है। अगर नया बंदा या कोई बिगनर यूज़ में ले रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा ये पावर लगती है। वैसे देखा जाए तो पावर अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा है पावर, लेकिन मुझे बहुत कम लगती है पावर। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel. फिर हम लोग, मैं आप सभी का स्वागत है। I hope you are all absolutely fine. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी लेट स्टार्ट करी है वीडियो, क्योंकि यार मोटो ब्लॉगिंग कर रहे थे तो मैं भूल गया था। अभी अभी मुझे याद आया और बाइक जैसे कि देख सकते हो यसदी वापस आ चुकी है। तो बाइक यार ADV ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने। तो थोड़ी बहुत इंजन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रही है बाइक। इसका टाइप है इंजन का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल डॉज इंजन है। और अगर इसकी वेट की बात करी जाए तो 188 kg की है ये। इंजन है इसका 334 cc और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 30.2 bhp 8000 rpm पे, जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रही है। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जिस प्राइस में ये आ रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक बनाई है यसदी ने। और मैं अभी बाइक चला रहा हूँ तो मैं यार अच्छे से गियर अप होके गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे हाथ में जितना कंट्रोल है मैं उस हिसाब से ही इस बाइक को चला रहा हूँ। वैसे भागने में और तेज़ भाग सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि फ्लाई ओवर है और सामने टोनी भाई जा रहे हैं। तो पहले ADV को अच्छे से अपन
टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, देन स्क्रैम्बलर की टेस्ट ड्राइव लेंगे। टोनी भाई स्क्रैम्बलर चला रहे हैं और मैं अभी एडवी चला रहा हूँ। ब्रेक इसके ज़बरदस्त हैं और ये सामने जो मीटर लग रहा है मेरे को BMW की एक एडवेंचर बाइक आती है उसकी याद दिला दी। मीटर इसका बहुत काफ़ी मस्त लग रहा है। थोड़ी सी और इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब मार्केट के अंदर यार अब जाके इस सेगमेंट के अंदर, जैसे कि हिमालयन है तो हिमालयन से मच बेटर लगी मुझे ये बाइक। बाइक की तो बाइक तो जबरदस्त है, पावर भी काफी मस्त है। और ये जयपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, ये कम से कम मुझे पता नहीं कितना किलोमीटर, शायद 7 किलोमीटर से ज्यादा ही है मे बी। और मौसम अजीब सा हो रहा है यार आज, जैसे कि देख सकते हो फीका फीका कलर हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज बारिश आएगी। और ये सामने जो आपको ये दिख रहा है ये फ्लाईओवर, ये मेट्रो का है। अगर बाइक की बात करी जाए ना बॉस, तो सच बता रहा हूँ जबरदस्त बाइक है, काफी ज्यादा मजा आया। और साउंड की बात करी जाए तो साउंड भी काफी मस्त है इसका। मैं अभी शोरूम के अंदर आया हूँ। अमेजिंग मैन, यजदी ने काफी मस्त एडवी बनाई है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। मतलब KTM एडवेंचर 390 चलाने और ट्रम्प वगैरह मतलब यूज करने के बाद भी मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बाइक है। मुझे ऑफ रोड ज्यादा पसंद है, ऑफ रोड नहीं करता। हाँ ये अच्छी राइडिंग वगैरह है, इनिशियल पावर भी जो लोग बात बोलते हैं नहीं, पावर पावर अच्छी खासी है, बहुत अच्छी डिलीवरी है भाई यार। गियर वगैरह कहीं लैग मतलब, हाँ बिल्कुल लैग नहीं, पता भी नहीं चला। मतलब नई मशीन को अपन चलाते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब जर्क वगैरह आता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है, काफी मस्त है यार। अमेजिंग मशीन मैन। तो पीछे वाला 17 का है और आगे वाला व्हील 21 का है, तो आगे से कुछ इसका लुक ऐसा है। तो की कुछ इस टाइप की है और ये काफी अच्छा लगा यार। चार्जिंग पोर्ट का है, एक दे दिया अपने सी टाइप और एक दे दिया USB, और वही मोड इसके अंदर रेन मोड, ऑफ रोड, कुछ मीटर इस टाइप का है और फोर इंडिकेटर का, तो कुछ इस टाइप का है और फोर इंडिकेटर का इसके अंदर बटन इनबिल्ट दे दिया, एडजस्ट होता है। मोड आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये रोड मोड आ गया, ये रेन मोड आ गया, ये ऑफ रोड आ गया। ब्लूटूथ ऑप्शन इस साइड के अंदर है, मतलब आपके पास कॉल वॉल आएगा तो आपको बता देगा यहाँ पे कि कॉल आ रहा है। टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो 15.1 लीटर टैंक कैपेसिटी इसकी, कुछ इस टाइप का।
तो ये कंपनी फिटेड है, ये काफी अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एडवेंचर बाइक अच्छी लगी होगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बाय।